कैसे आप सब लोग। हैंडसम आराहन की हैंडसम सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। सच्ची मिट्टी में ये हैंडसम सक्सेस स्टोरी है और आज आराहन का बर्थडे भी है, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि उनकी ये जो सक्सेस स्टोरी है उनके बर्थडे पर मैं शेयर करूं। तो आराहन, हैप्पी बर्थडे, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। आप जो चाहें, जैसा चाहें, उससे कहीं ज्यादा ईश्वर आपको दे, आप बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर सकें, आपकी जिंदगी खूबसूरत हो, खुशियों से भरी हुई हो। ये प्रेयर मैं आराहन के लिए और आप सब लोगों के लिए करती हूँ। आई लव यू। चलिए देखते हैं कि आराहन की क्या सक्सेस स्टोरी है। एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे। नमस्ते ब्यूटिफुल दीदी, नमस्ते हैंडसम आराहन, आई लव यू। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, थैंक यू। एंड हेलो टू ऑल बटरफ्लाइज जो भी इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, नमस्ते। बहुत सुंदर सा नमस्ते का उन्होंने ऐसे वो होता है ना इमोजी, वो बना करके भेजा है। भी मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी फाइनली लिख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मेरी सक्सेस स्टोरी जानना चाहते हैं। दीदी सक्सेस तो एक के बाद एक मुझे तभी मिलना शुरू हो गई थी जब मैं चाहता था कि आप आज इसे शेयर करें, क्योंकि आज ऑफिशियली आपसे बात किए हुए मुझे एक साल हो गया है एंड वीडियोस तो आपकी काफी टाइम से मैं देख रहा था। नाउ स्टोरी बिगिंस। मेरा नाम आराहन मोंगा है, मैं एक ट्रांसमैन हूँ। यस, मैंने अपने जेंडर को चेंज करवाया है। लाइफ बहुत टफ रही थी बचपन से ही मेरे लिए, बस इसे किस्मत मान करके मैं चल रहा था। जैसे तैसे आगे बढ़ा, सर्जरीज करवाई, मैं खुश था अपने आप को ऐसे देख करके, लेकिन कुछ कमी थी। लाइफ अनस्टेबल चल रही थी हर तरफ से, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, लव लाइफ हर तरफ से गिर रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं। ये कह लो कि मैं मरना ही चाहता था। फिर एंट्री होती है आपकी मेरी लाइफ में। ओह थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। अचानक से आपका वीडियो मेरे सामने आया, मैंने देखा और फिर तब से लेकर के अब तक मैं आपके साथ में ही जुड़ा हूँ। आपसे पिछले एक साल से मुझे गाइडेंस मिल रही है, आपके सेशंस ले रहा हूँ। जैसे आपने कहा वैसा मैंने किया, 5 सेंसेस मेडिटेशन, होपोनोपोनो प्रेयर, वाटर एफर्मेशंस, सब कुछ किया, अब भी मैं करता हूँ। और इन सब ने बूम करके मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। बूम, आई लव यू। एंड इन सब से ये हुआ कि मैं हील होता चला गया और खुद से ही मिल गया। दी जो कमी थी ना, अब वो पूरी हो गई है। बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है खुद से मिलने की, आप समझ सकते हो। ये ऐसे था कि इतने सालों से बॉडी चल रही थी, रूह से मिलना, उसके होने का एहसास अब हुआ है मुझे। सेकंड चीज, मैंने अपना वेट लॉस बहुत ज़्यादा किया है। 10 केजी, पहले 85 केजीज था, अब मैं 75 केजीज हूँ। हैंडसम मैन, वाओ, ब्यूटिफुल। डेली वर्कआउट करता हूँ 1 घंटा और वाटर रिफॉर्म करके पीता हूँ। थर्ड चीज, कर्मा की कैलकुलेशन आपने बहुत ब्यूटिफुली समझाई है। पहले इन सब बातों के बारे में पता था बट एहसास नहीं था, अब पता चल रहा है। अब इसे मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, लाइफ में अप्लाई करता हूँ और अब मैं अपनी लाइफ को खींच नहीं रहा हूँ, जी रहा हूँ। ये बात, ये ब्यूटीफुल लाइन है आपकी सक्सेस स्टोरी की, कि आप अपनी लाइफ को खींच नहीं रहे हैं, जी रहे हैं। आई लव यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। फोर्थ चीज, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया है। मैं हमेशा से डरता था सर्जरी होने के बाद भी ये बताने से कि मैं ट्रांसमैन हूँ, क्योंकि सामने वाला मुझे छोड़ करके ना चला जाए। बट मैं ओपनली और प्राउडली आप सबके सामने कहता हूँ, यस आई एम ट्रांसमैन। अरे इस चीज से पहले आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं, आई लव यू। पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, शांभवी दी से मिलने के पहले मैं कैसा था, क्या हाल था। हर वक्त ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, इन्हीं में लगा रहता था। बट आफ्टर आपको देखने के बाद, मिलने के बाद, आप सब लोग देख ही सकते हैं पिक्चर में, स्टोरी काफ़ी बड़ी हो गई है। पर मैं शेयर करना चाहता हूँ अपना एक्सपीरियंस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच हम सबकी लाइफ में आने के लिए, हमें खुद से मिलवाने के लिए। आपने मेरी नहीं, मुझसे जुड़े हर जीव की लाइफ बदल दी है। आई लव यू आराहन, आई लव यू सो मच,
आई लव यू सो मच, आपसे इतना प्यार करता हूँ कि आप ही नहीं जानती, मैं जानती हूँ, हाँ हो सकता है मैं उतना नहीं जानती जितना आप करते हैं, लेकिन मैं ब्लेस्ड हूँ कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच। एंड लास्ट में सबसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर ये मेरे लिए काम कर रहा है, मैं मानता हूँ कि ये किसी के लिए भी काम करेगा। जस्ट लव योर सेल्फ, लोग आप सब लोग खुश रहिए, खूब प्यार बांटिए, सबको खूब सारी ब्लेसिंग्स। जल्द ही लौटूंगा एक और सक्सेस स्टोरी के साथ। आई लव यू, अब तो रुला देते यार, हैप्पी बर्थडे। मुझे आपकी स्टोरी के थ्रू ये पता चला कि हम दोनों को मिल करके एक साल हो गया है। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू आराहन, आई एम रियली वेरी हैप्पी। और अब बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं, इसलिए थंबनेल में आपकी पहले वाली और अभी वाली फोटो हमने लगाई है। और आप जो हैं जैसे हैं, कभी भी शर्मिंदगी महसूस मत कीजिए, क्योंकि आप जो हैं जैसे हैं बेहतरीन हैं, बेस्ट हैं, और आप बेस्ट डिजर्व करते हैं। आराहन आप भी और बाकी सब लोग भी, आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप बेस्ट हैं और बेस्ट डिजर्व करते हैं। इसलिए अपने आप से जुड़ना शुरू कीजिए, अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए। जब ये होता है ना, तो दूसरे लोगों की लाइफ भी बदलनी शुरू हो जाती है, हमारी तो बदलती ही है, उनकी भी बदलनी शुरू हो जाती है। और अगर ये आराहन कर सकता है ना, तो आप सब भी कर सकते हैं। सच मानिए, आप सब भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कंडीशन से कहीं ज़्यादा बेहतर कंडीशन में हैं आप। मैं मिली हूँ उनसे, बात की है मैंने उनसे, हम ऐसे फिजिकली नहीं मिले हैं, लेकिन फोन पर बात की है, एनर्जी लेवल पर बात की है, तो मैं जानती हूँ कि वो टूटा हुआ इंसान अगर आज जुड़ करके खड़ा हो सकता है, आज सबके सामने अपने आप को बता सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। अगर आराहन कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर हिम्मत आने की जरूरत है, लेकर के आइए और बस जीत लीजिए दुनिया को। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू आराहन, विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आई लव यू, बाय, टाटा।